हाय फ्रेंड्स, आज मैं यह फेस वॉश की रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है वाओ ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। तो इस फेस वॉश को मैं करीब 5-6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ और इसके साथ मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो में पूरी बताऊँगी। और ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये फेस वॉश आपको इस तरह के कार्टून पैकेजिंग में मिल जाएगा। तो इसका नेट वॉल्यूम है 100 ml और इसका प्राइस है 399 रुपीज़, लेकिन ये हमेशा डिस्काउंट में चलता है। तो ये मुझे मिला है 364 रुपीज़ में, तो आपको भी इस तरह के डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये फेस वॉश की बात करूँ तो इसमें लिखा है कि 9 पैराबिन्स, 9 सल्फेट, 9 सिलिकॉन्स, 9 कलर और डर्मोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज, इसमें लिखा है कि हेल्प्स लाइटन एंड ब्राइटनिंग स्किन टोन, हेल्प्स फेड एज स्पॉट्स, रिड्यूस फाइन लाइंस, हेल्प्स स्मूथ एंड कॉम्प्लेक्स। तो गाइज, ये क्लेम करता है कि ये आपकी फेस को बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करेगा और आपकी जो एज स्पॉट्स है यानी कि जो रिंकल्स है वो उसे भी ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करेगा यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका जो लिखा है जो हेल्प्स फेड एज स्पॉट्स, रिड्यूस फाइन लाइंस, तो मुझे ये नहीं लगता क्योंकि मैं 5-6 मंथ से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अपने स्किन पर। तो गाइज, हो सकता है कि इसे लंबे टाइम तक यूज़ करने से आपका जो रिंकल्स है तो वो कम कर देगा। और इसमें जो लिखा है कि हेल्प्स लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग स्किन टोन, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया ना तो मुझे लगा कि मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनिंग से फील कर रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप जब इसे यूज़ करोगे ना फर्स्ट टाइम तो आप खुद ही देखोगे कि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और ब्राइटनिंग हो गया है। तो गाइस, इस फेस वॉश को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका एक ब्रश मिलता है इस फेस वॉश के साथ। तो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं 5-6 मंथ से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो यूज़ करने से मेरा जो फेस वॉश है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म, थोड़ा सा रह गया है बस। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरा फेस वॉश ऑर्डर कर लूँ, लेकिन फ्लिपकार्ट पर मुझे विटामिन सी का फेस वॉश नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे एप्पल साइडर जो विनेगर फेस वॉश है मुझे उससे ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि उसका जो विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना वो नहीं है। तो गाइज, मुझे ये परचेस करना पड़ा। तो गाइज, इस फेस वॉश को ओपन करने के लिए आपको नीचे की तरफ खींचना होगा। तो खींचने से ओपन हो गया है, आप देख सकते हो, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश मिल जाएगा। और इस ब्रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि मैं इस ब्रश की वजह से ना इस फेस वॉश की दीवानी बन गई हूँ। और वैसे विटामिन सी फेस वॉश आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी फेस को ब्राइटनिंग करता है, आपकी एज जो रिंकल्स है उसे भी कम करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तो इसे यूज़ करना कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ। इसे आपको डिप करना है और डिप करने से अंदर का जो फेस वॉश है वो बाहर निकल के आएगा और आपको थोड़ा सा मुंह पे पानी लगाकर इसे यूज़ करना है। तो गाइज, कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना ना भूले। तो चलिए, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।